हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आसान तरीके से मशरूम की ग्रेवी। तो आइए देखते हैं इसे आसानी से और टेस्टी से कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और घर में ही उगाता, तो इसकी मिट्टी को हमें अच्छे से साफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसे एक पानी में थोड़ा नमक और थोड़ा इमली डाल के भिगोना पड़ेगा। जिसे साफ करने के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम हाथ की मदद से ही इसे टुकड़े कर सकते हैं। मैंने इन्हें थोड़ा लंबा ही रखा है, आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो। फिर हम बनाएंगे ग्रेवी। इसके लिए हमें चाहिए 5-6 मिर्च, 4 बड़ा प्याज, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा। जीरा और काली मिर्च को एक मिक्सी में डाल के हम इसकी पाउडर बनाएंगे। और मैं लहसुन को ऐड करना भूल गई थी, आप ऐड कर लीजिए। अब हम एक पैन में तेल को गरम करके इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। इसे अच्छे से चलाइए और फिर डालिए हमने क्रश किया हुआ लहसुन। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी लहसुन को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के लिए नमक और फिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर हम डालेंगे हमने पाउडर करके रखा हुआ काली मिर्च और जीरा। एक बार इसे अच्छे से मिलाइए और फिर इसमें डालिए मशरूम्स। पानी थोड़ा सा ही डालिए, पानी नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फिर इसे ऊपर से ढककर थोड़ी देर पकाइए। आप देख सकते हो ये पक रहा है। इसे बनाना जितना आसान है, ये खाने में भी उतना ही लाजवाब और टेस्टी है। और फ्रेंड्स, मशरूम में मौजूद फाइबर और पोटाशियम, विटामिन सी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। अब ये थोड़ा सा पक गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप किसा हुआ नारियल और फिर इसे अच्छे से मिलाकर 5 मिनट पकाकर गैस को ऑफ करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। रोटी, चपाती या राइस के साथ खाइए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये आसान सा रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।